अब हम सभी जिस प्रभु मिलन के लिए युगों से इंतजार करते थे, जो हमें बहुत प्यार करता है, ऐसे अपने प्राणेश्वर बाबा से मिलने के लिए मानसिक रूप से अपने को ऊंची स्थिति में स्थित करेंगे। सभी भाई बहने बहुत ही अटेंशन के साथ अब से और जब तक बाबा आए और रहें तब तक के समय को सुखों में व्यतीत करेंगे। आज का ये मिलन हम सभी के लिए यादगार बन जाए। आत्मा पूर्ण रूप से तृप्त हो जाए। प्रभु मिलन का सुख, परमानंद इतना अधिक सभी को मिले आज के अंतर चित्त परमात्म मिलन को पूर्ण रूप से स्वीकार करे और ऐसे मिलन का अनुभव रोज करें। तो हम सभी कुछ अभ्यास करेंगे और अभ्यास के साथ कुछ चीजों पर ध्यान देंगे। सभी को ख्याल रहे ये ईश्वरीय मिलन का सुख इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारी स्थिति क्या है। व्यर्थ से संपूर्ण रूप से मुक्त, साधारण संकल्पों से परे, श्रेष्ठ स्वमन में स्थित होकर हम जितना अधिक एकाग्रचित होंगे, बाबा के वरदान उनकी शक्तियां हम में समाती रहेंगी। आज की सवेरे की दादी जानकी की क्लास, उसमें एक बात सभी को मैं फिर से ध्यान दिला दूं, शांति तब मिली जब ईश्वरीय शक्तियां मिली। किसी भी आत्मा को संसार में रहते हुए, परिस्थितियों में रहते हुए संपूर्ण शांति का अनुभव, शांति की शक्ति का अनुभव इस आधार पर ही होता है कि उसने बाबा से शक्तियां कितनी प्राप्त की हैं। आज बाबा हमारे सामने होंगे। सोचो, जिसे हम परम नाम में याद करते हैं वो सर्वशक्तिमान हमारे सम्मुख होंगे। उनकी शक्तियों की किरणें इस सारे हॉल में सबसे पहले फैल जाएंगी। आज का ये दिन जैसे हमारे लिए बहुत आनंद का होता है, वैसे ही बाबा भी ऊपर हम सभी के प्यार में नीचे खींचता रहता है। आज उसके लाखों बच्चे बहुत प्यार से उसका आह्वान करते हैं। उसे भी इंतजार रहती होगी, चलूं जल्दी अपनी महान आत्माओं से मिलने के लिए। तो हम बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, व्यर्थ बिल्कुल न रहे। अभी ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा, उसके बाद हम आपके सामने कुछ विशेष चर्चाएं भी रखना चाहेंगे और उसमें एक इम्पोर्टेंट बात जो सभी के पुरुषार्थ को सरल कर देगी। पिछली मुरली में बाबा ने कहा और सदा ही कहते हैं, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहो। कल दादी गुलजार ने भी इशारा दिया, तो उसका एक सरल सा उपाय
कि बाबा के द्वारा मिले हुए टाइटल्स स्वमान हम रोज सवेरे और रात को एक साथ याद करेंगे। ये एक बहुत सुंदर सुखद फीलिंग्स का तरीका होगा। मैं आपको यहीं कराऊंगा ट्रैफिक कंट्रोल के गीत के बाद। तो सभी अब बिल्कुल इधर उधर न देखकर अपने मन के मालिक बनकर मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ। सभी टीचर बने अटेंशन। राजा बनकर अपने अपने सिंहासन पर बैठेंगे और मन को आदेश देंगे अब कहीं नहीं जाना है। चलो सभी अपने स्वरूप को देखेंगे। मैं चमकती हुई ज्योति तेजस्वी आत्मा राजा स्वराज्याधिकारी अपने सिंहासन पर विराजमान। हम सभी संगम योगी ब्राह्मण इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हैं। मेरे साथ साथ सभी अपने को ये संकल्प देते चलें, हम कितने भाग्यवान हैं जरा अपने से बात करें। आज स्वयं भगवान हमसे मिलने आ रहे हैं। सभी सोचें जो साधु संत तपस्वी और महर्षियों को नहीं मिले, जिनके दर्शनों के लिए अनेक लोग युगों से साधनाएं करते आए, वो स्वयं हमारे पास आ रहे हैं। इतना ही नहीं, आकर हमें ये बहुत सुंदर फीलिंग देते हैं कि मैं तुम्हारा हूं। हम सभी ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि भगवान आकर हमें कहेंगे मैं तुम्हारा हूं। सभी फीलिंग में चलें, जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा है। ऐसी भाग्यवान हैं हम सभी आत्माएं। ये संगम युग भाग्यवान आत्माओं के भाग्य से हम सबको मिला है। एक बहुत सुंदर महावाक्य मैं आपको बाबा का याद दिला दूं, आज भी सभी उसका आनंद लेंगे। बाबा साकार में ही कहते रहे, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूं। हम आज अपने अंदर ये उमंग भरें कि बाबा से हमें सब कुछ लेना है। वो तो देने आया है, देने आएगा। सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करेगा। मैं आप सभी को कुछ बात कहना चाहूंगा। संगम युग पर बुद्धिमान वही आत्मा है जो बाबा से सब कुछ प्राप्त कर ले। बुद्धिमान वही है जो अपनी बुद्धि को संपूर्ण रूप से स्वच्छ कर ले, जो स्वयं को निर्मल बना दे। बुद्धिमान वो नहीं जो अपनी बुद्धि को व्यर्थ चलाकर क्या क्यों में रहकर क्वेश्चंस में रहकर अपने अनमोल संकल्पों को वेस्ट कर दें। सबसे बुद्धिमान वो जो अपने चित्त को शांत कर दें।
तो हम सभी व्यर्थ से स्वयं को मुक्त करने के लिए क्या ड्रिल रोज सवेरे करेंगे? चलें सभी मेरे साथ साथ बाबा के दिए हुए टाइटल्स को बहुत गहराई से याद करेंगे, अपने अंतर चित्त में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्वमान के इन सभी टाइटल्स को समाएंगे, स्वीकार करेंगे, अपने से बातें करें, एक सीन बनाएंगे, बाप दादा दोनों अपने धाम से नीचे उतरकर मेरे सामने आ गए हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। सभी अपने अपने सामने बाप दादा को देखें। बाबा बोले, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, इस संसार की चुनी हुई महान आत्माएं हो, स्वीकार करें मैं एक महान आत्मा हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा ने अपनी समस्त शक्तियां मुझे दे दी हैं। जो शक्तियां सर्वशक्तिवान में हैं, वो मुझ में भी हैं। बाबा याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम विजयी रत्न हो, तुमने कल्प कल्प इस माया पर विजय पाई है, तुम माया से अधिक शक्तिशाली हो। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर, बाबा कह रहे हैं, बच्चे बाप तुम्हें वरदान देते हैं, तुम विघ्न विनाशक हो, स्वीकार कर लें। तुम विश्व कल्याणकारी हो, सभी धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हो, तुम्हें संसार की सभी आत्माओं को सकास देकर उनका कल्याण करना है। तुम चेतन लाइट हाउस हो, मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तुम्हारे प्रकाश से ही ये जग प्रकाशित हो रहा है। तुम प्रकृति के मालिक हो, तुम्हें पांचों तत्वों को पावन करना है, तुम महान हो, बाप समान हो। ओम शांति। सभी ये सिंपल विधि अपने जीवन में अपनाएं, जिसको व्यर्थ
से संपूर्ण रूप से मुक्त होने की दृढ़ इच्छा हो, वो 5-5 मिनट देकर दिन में 3 बार इस तरह अपने को चार्ज करें। ये वो सुंदर टाइटल्स हैं, ये वो श्रेष्ठ स्वमान हैं जो हमारी आंतरिक चेतना को जगाते हैं। हम सभी ज्ञान लेने के बाद एक बात को बहुत अच्छी तरह जान लें, हमारे अपने पास ही बहुत कुछ है। बाबा के बनते ही उसने हमें अपनी शक्तियां दी हैं, पवित्रता को अपनाने का बल दिया है, हमारी सोई हुई चेतना को जगाया है। अगर हम रोज इस तरह अपने को जगाएंगे तो माया को जीतना बिल्कुल खेल जैसा लगेगा। संकल्पों का, व्यर्थ संकल्पों का फोर्स ही समाप्त होने लगेगा। याद रखेंगे जीवन में एक बहुत सुंदर स्लोगन, आप नोट कर सकते हैं, जीवन में हारता वही मनुष्य है जो अपनी शक्तियों को भूल जाता है। देख लें आप सभी, सर्वशक्तिवान बाबा ने हम सभी को टाइटल दे दिया, अपनी शक्तियां देकर कहा तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। हम कितना इसे स्वीकार कर रहे हैं, जो टाइटल्स बाबा हमें देते हैं उन्हें हम स्वीकार करें। सारी शक्तियां हमारे पास हैं। बहुत सुंदर अभ्यास है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये अभ्यास, ये फीलिंग, ये स्मृति जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त करने वाली है। मेरे पास इसके बहुत भाई बहनों के चमत्कारिक अनुभव हैं, जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों से बाबा का बनने के बाद भी अपने जीवन में दुखी हो गए, परिस्थितियों ने जिनको घेर लिया, एक एक दो दो तीन तीन दिन में ये अभ्यास करने से कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सभी समस्याएं लोप हो गई, परिस्थितियां नष्ट हो गई। अब हम एक बार फिर अभ्यास करेंगे 1 मिनट के लिए। चलें सभी, राजा बनकर अपने अपने सिंहासन पर बैठें, मैं चमकती हुई तेजस्वी आत्मा स्वराज्यधिकारी भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान। परमात्म शक्तियों से संपन्न, बहुत गहराई से अपने को संकल्प दें, बाबा ने अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी हैं, जो शक्तियां सर्वशक्तिवान में हैं वो मुझ में भी हैं। इन शक्तियों पर मेरा अधिकार है, ये शक्तियां मेरा श्रृंगार हैं, मेरे हथियार हैं। मैं हूं मास्टर सर्वशक्तिवान, माई हाउस। अपने स्वरूप को देखें, मेरे अंग अंग से
शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। आज बाबा हमारे सामने आ रहे हैं अपना सब कुछ देने के लिए, और हम अपनी एकाग्रता के द्वारा परमात्म प्यार में मग्न होकर बाबा से मन चाहा वरदान ले सकते हैं। मैं आप सभी को एक बहुत सुंदर संकल्प देना चाहता हूं। आज जो भी वरदान आप बाबा से चाहते हैं उसको अपने मन में ले आए। अभी मैं कुछ चीजें याद दिला देता हूं। यदि आप चाहते हैं कि मुझे हर कार्य में सफलता प्राप्त हो, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार बन जाए, आज मैं बाबा से ये वरदान चाहती हूँ। एक। दूसरा, यदि आप चाहते हैं कि मुझे बाबा से वरदान प्राप्त हो जाए, तुम विघ्न विनाशक हो, तुम दूसरों के विघ्न नष्ट कर सकोगे। अपने अंदर रख लें इसको। यदि आप बाबा से वरदान चाहते हैं कि मेरे बोल दूसरों के लिए कल्याणकारी हो जाएं, दूसरी भाषा में मुझे बोल की सिद्धि प्राप्त हो, मैं अपने सुंदर बोल के द्वारा किसी का भी कल्याण कर सकूं, ऐसा वरदान आप बाबा से चाहते हैं। और भी आप कुछ चुन लें, माया जीत का वरदान चाहते हैं, उसको अपने मन में दृढ़ता पूर्वक रख लें अब। और बाबा जब हमें दृष्टि दे रहे हों तब उस वरदान को स्वीकार कर लें। अभी जो वरदान आप अपने मन में रखेंगे वो बाबा तक पहुंच जाएगा और वो वरदान आपको प्राप्त होगा। दो चीजों पर निर्भर करेगा मेनली, एकाग्रता और स्वीकार करना। नशा हो जाए कि बाबा से मुझे ये वरदान प्राप्त हो गया है, और यहां से जाने के बाद कुछ दिन तक, 21 दिन तक आप उस वरदान को रोज सवेरे ऐसे ही याद करना कि बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखकर ये वरदान दिया है। उसका नफा हो जाएगा, और रोज अपनी दिनचर्या में उसको यूज करके देखना। कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं, यूज करने का तरीका, आपने बाबा से वरदान लिया है सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, चाहे वो कितना भी कठिन है, इस वरदान को याद कर लेना कि बाबा से मुझे ये वरदान मिल गया है। याद करते ही आप देखेंगे वरदान अपना कार्य करने लगेगा। एक बार हम ये अभ्यास करते हैं। सभी अपने अपने मन में अपना वरदान निश्चित कर लें, और एक सीन देखें। ऊपर से बाप दादा नीचे आ रहे हैं, ऊपर की ओर देखें अपने दिव्य नेत्र से, तेजस्वी फरिश्ता अपनी लाइट माइट चारों ओर फैलाते हुए नीचे उतर रहे हैं।
आ गए मेरे सम्मुख, दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। और अब आप बाबा के मुख से सुन लें अपना अपना वरदान। ओम शांति। संगम युग का आनंद लेने के लिए, चारों युगों का आनंद लेने के लिए, पहले दो युग हम परमानंद में हैं, दूसरे दो युग भी हमारे लिए आनंदकारी हो जाएं। एक संस्कार अभी से अपने अंदर धारण करेंगे। बहुतों में ये संस्कार है, बहुतों में नहीं है। वो संस्कार है सहज भाव से जीवन जीना, जीवन में हल्के होकर चलना। ये संस्कार, ये आदत, ये चिंतन विनाश काल में हमारे बहुत काम आएगा। मैं आप सभी को एक बात के लिए सावधान करना चाहता हूं। बाबा ने पहली मुरली में उस चीज को विशेष रूप से अंडरलाइन कर दिया। मुझे 6 मास से ऐसा आभास हो रहा था कि संसार में वर्तमान समय बहुत मनुष्यों के मन के व्यर्थ संकल्पों की स्पीड बहुत बढ़ गई है। और ऐसा हम जान सकते हैं कि अगले 5 सालों में ये स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इतने व्यर्थ संकल्प बहुतों को चलते हैं कि उनको खुद भी समझ में नहीं आता वो क्या सोच रहे हैं, और अति कष्टकारी हो जाते हैं वो संकल्प। हम सावधान करें अपने को, अपनी शक्तियों की स्मृति में रहते हुए, अपनी मान्यताओं को जागृत रखते हुए, व्यर्थ के फोर्स को समाप्त करें, सहज भाव से जीवन जीने की आदत डालें। एक बहुत अच्छी धारणा जीवन में इसके लिए सभी अपनाएंगे और अभी करेंगे, जो कुछ आज तक हो गया है, जो बातें आपके मन को भारी कर रही हों, किसी ने आपका बार बार अपमान किया हो, किसी ने आपको बहुत सताया हो, किसी ने आपको कदम कदम पर बहुत कष्ट पहुंचाया हो, आपके मन में मन पर उसका प्रभाव छाया हो, आपके पास जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हों जो आपको विचलित करती हों, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम जानते हैं और कुछ हजारों साल की हैं जिन्हें हम नहीं जानते, उनका सूक्ष्म इफेक्ट हमारे मन की स्पीड को बढ़ाता है। मैं आपको सावधान शब्द बोल रहा था कि मैं आपको सावधान कर रहा हूं। आने वाले 5 साल, मैं विनाश की बात नहीं कर रहा हूं, विनाश से पहले इस संसार में मनुष्य अपने पाप कर्मों की सजा भोगेंगे। तो जो भी जिसने बहुत पाप कर्म किए हुए हैं उनकी सूक्ष्म तरंगें ब्रेन में छपी हुई हैं, वो एक्टिव हो रही हैं।
कुछ चीजें उनको एक्टिवेट कर रही हैं, संसार का वातावरण, लोगों के बढ़े हुए पाप। इसलिए सावधानी पूर्वक हमसे कोई पाप कर्म न हो, किसी विशेष बात की बड़ी मजबूत छाया हमारे ब्रेन पर न पड़ जाए। हम हल्का करें, दो बातों से हल्का करेंगे। पहली और सुंदर बात है, सबसे सुंदर हम सबके लिए, बाबा हमारे साथ है। ये छोटी बात नहीं है, कई भाई बहने इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं। मैं एक लौकिक उदाहरण देता हूं। मान लो आपका नाता आपके स्टेट के मुख्यमंत्री से हो, वो आपके घर में नहीं रहता लेकिन आपका नाता है उससे, तो आपको नशा रहता है कि एक मिनिस्टर हमारे साथ है। बस ठीक ऐसे ही भगवान हमारे साथ है, बहुत काम आएगी ये बात। बाबा की मुरली में एक मास पहले भी हम ये बहुत गहरा महावाक्य सुन चुके हैं, यदि तुम याद रखो सर्वशक्तिवान मेरे साथ है तो उनकी शक्तियां तुम में प्रवेश करती रहेंगी। रहस्य हो गया ये बहुत सुंदर। हमसे कुछ भी अभ्यास न हो तो ये सिंपल फीलिंग, ये नशे की स्मृति हम अपने अंदर रखेंगे, भगवान मेरे साथ है। चाहे तो गीत गाते रहें, आप सब इस गीत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ईश्वर अपने साथ है डरने की क्या बात है। मन ही मन गाते रहेंगे तो बाबा के साथ की सुंदर अनुभूति होती रहेगी। दूसरी बात बहुत ध्यान देने योग्य बात है, मैंने आपको कहा अभी इसको सभी अपना सकते हैं, जीवन की वो बातें जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, जीवन की वो बातें जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, उन्हें स्वीकार कर लें और हल्के हो जाएं। सभी अपने से बात करें, अपने पास जीवन पर एक दृष्टि डालें, जो कुछ आज तक हो गया उसको चेंज करने की शक्ति किसी में नहीं है, उसे स्वीकार करके अपने चित्त को पूरी तरह शांत करें। बहुत सुंदर कला हो जाएगी, नहीं तो पास्ट का इफेक्ट वर्तमान का आनंद नहीं लेने देता है। बिल्कुल हम अपने जीवन को ऐसे जीना सीख लें कि कल तक का भी कोई इफेक्ट हमारे अंतर मन पर छाया न हो, तो हम वर्तमान का सुख अनुभव कर सकेंगे। बिल्कुल सहज भाव से जीवन जीना है। एक बहुत अच्छी इसके साथ जुड़ी हुई तीसरी धारणा, हम जो भी कर्म सारा दिन करते हैं एक संकल्प अपने अंदर धारण कर लें, मुझे हर कर्म को एंजॉय करना है, मुझे हर कर्म का आनंद लेना है। ध्यान दें आप अपनी अपनी दिनचर्या पर, भोजन बनाएं उसका भी आनंद लें, भोजन खाएं उसका भी आनंद लें, पैदल चलें उसको भी एंजॉय करें, ड्राइविंग करें उसको भी एंजॉय करें, ट्रेन में जा रहे हों उसको भी एंजॉय करें, ऑफिस में काम करना है उसका भी आनंद लें। लक्ष्य बना दें, मुझे हर कर्म को एंजॉय करना है। सेवा करें, कोर्स कराएं, भाषण करें, दूसरों से मिलें, उसको एक एंजॉयमेंट बना दें, जीवन एक सुंदर खेल बन जाएगा। चलें फिर से हम एक अभ्यास की ओर। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, अपने स्वरूप को देखेंगे सभी।
मैं मास्टर ज्ञान सूर्य। हम सभी महान आत्माओं के प्रकाश से ही ये जग प्रकाशित है। अपने सामने ऊपर देखें ज्ञान सूर्य शिव बाबा, बिल्कुल अपने सामने थोड़ा ही ऊपर देखें, जिनसे चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। तीसरे नेत्र को स्थिर कर दें उन पर। उनकी ये समस्त किरणें मेरे चेहरे पर पड़ रही हैं। एंजॉय करें परमात्म किरणों को। हम सभी अपने अपने भाग्य को देखकर आनंदित हो जाएं। चार घंटे भगवान के साथ बैठेंगे। अगर ये बात आप वापस जाकर अपने घर में बताएं कि हम चार घंटे भगवान के पास बैठे थे, तो कैसा लगेगा सुनने वालों को? अगर ये बात संसार के साधु महात्मा सुन लें और जान लें कि कुछ ऐसी भी महान आत्माएं संसार के चुने हुए रतन हीरे, जिनका श्रृंगार करने स्वयं भगवान आ रहे हैं, चार घंटे भगवान के साथ बैठेंगे, सोचो वो लोग सुनकर ही कितने आनंदित होंगे। हम सभी तो चार घंटे परमात्म वाइब्रेशंस में बैठेंगे। सभी लक्ष्य बना लें, जिसे परम धाम में याद करके हम उनसे शक्तियां लेते हैं, वो हमारे पास सामने बैठेंगे 3-4 घंटे। यहीं से उनसे शक्तियां प्राप्त करनी है। देखिए, हम बाबा के महावाक्य भी सुनेंगे और साथ साथ उनसे शक्तियां भी लेंगे। मैं आपको एक बहुत क्लियर विधि, जिसके द्वारा हम इस मिलन को यादगार मिलन बनाएंगे, रख देता हूँ। बहुत सारे भाई बहनें प्रथम बार भी बाबा से मिलने आए हैं। अपने तीसरे नेत्र को, अपनी बुद्धि को और अपने मन को, दोनों को सामने बैठे हुए ज्ञान सूर्य शिव बाबा पर एकाग्र करेंगे। जितनी देर आप बाबा के सामने बैठे, मन में सुंदर संकल्प रखना, वह मेरा भाग्य भगवान सामने बैठा है। जिसको इन नैनों से नहीं देखा जा सकता, उनको हम अपने दिव्य नैनों से निहार रहे हैं। हमारे पास वो नेत्र हैं जिससे हम भगवान को देखते हैं। मन में ये संकल्प करके बुद्धि के नेत्र से बाबा के चमकते हुए स्वरूप को देखते रहना। उससे किरणें फैल रही हैं चारों ओर, अनंत शक्तियां फैल रही हैं। वो किरणें हम में समाती रहेंगी। बहुत सुंदर अनुभूति आप करें। ये 3-4 घंटे मन और बुद्धि की एकाग्रता को बढ़ाने वाले भी हो जाएंगे
और इसी एकाग्रता के बल से बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति भी होगी। मैं आप सभी को एक चीज और कहूंगा, मुरली सुनने के बाद, बाबा के मिलन के बाद जब सभी भाई बहनें बाहर जाते हैं तो इसमें कोई संदेह तो नहीं कि बहुत आनंदित होते हैं, तो बाहर जाकर उस आनंद को बिखेरने लगते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बाबा के मिलन के बाद स्वयं को अंतर्मुखी कर दें, तो जो आनंद, जो खुशी, जो शक्तियां आपने यहां समाई हैं वो कायम रह जाएंगी। बाह्य मुक्ता से वो चीजें नष्ट हो जाया करती हैं। बिल्कुल आनंद को अंतर्मुखी होकर सबकॉन्शियस माइंड में समा देना है। मैं संक्षेप में विधि का वर्णन कर देता हूं। दादी जी हमारे पास आएंगी, भोग लगता है बाबा को, सभी को मालूम हो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही आते हैं। नए भाई बहने बैठे हैं बहुत सारे, कोई इस कंफ्यूजन में न रहे कि ब्रह्मा बाबा आता है या अकेला शिव बाबा आता है, दोनों को ही आना है। इसके पीछे कुछ रहस्य भी हैं, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, पर दोनों ही हमारे पास आते हैं। संपूर्ण विश्वास के साथ बैठेंगे, मन में कोई भी संशय का संकल्प आपके संपूर्ण सुख को नष्ट कर सकता है। बाबा के मुरली के बाद भी कुछ भी संकल्प न चलाएं। मैं पहले ये बात कहना आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि मुझे कई भाई बहने बाबा के मिलन के बाद अनुभव सुनाते हैं। दादियां स्टेज पर आई, इधर आवाज हो जाती है, उनको संकल्प चलने लगते हैं, ये सब क्या हो रहा है। आप कुछ भी संकल्प नहीं चलाएंगे, हर चीज का आनंद लेंगे, संकल्प करते रहेंगे, उसको देख रहे हैं जिनको इन नैनों से नहीं देखा जा सकता, उसके महावाक्य सुन रहे हैं जिसका एक एक शब्द सुनने के लिए भक्तगण हजारों साल से इंतजार करते थे। सुंदर संकल्पों के साथ बैठेंगे, दादी आएगी, भोग लगेगा, हम सभी योग में बैठते हैं। मैं आप सभी को एक संकल्प दे देना चाहता हूं, बाबा का प्यार से आह्वान करते रहेंगे हम, हे प्राणेश्वर अपना धाम छोड़कर आ जाओ, आपका हमारी इस महान आत्माओं की सभा में वेलकम है। हे प्राणेश्वर हम बहुत प्यार से आपको बुला रहे हैं, हमने युगों से आपकी इंतजार की है, अब आ जाओ और फिर देखेंगे। एक सीन बनाते रहेंगे सर्वशक्तिवान। अब ये सीन मैं आपको योग के लिए बता रहा हूं, हमारा निमंत्रण सुनकर सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। अभी देखने लगो, जरा लाल लाइट करो दो मिनट के लिए, चलो प्यार से निमंत्रण दें। हे खुदा दोस्त, प्राणों से भी प्यारे मेरे मन के मीत, मेरे दिल के संगीत, हम आपको हजारों साल से याद करते थे, अब अपना धाम छोड़कर आ जाओ, हम नैन बिछाए बहुत प्यार से आपका आह्वान कर रहे हैं। शिव बाबा को देखें ऊपर, हमारा निमंत्रण सुनते ही महाज्योति नीचे उतरने लगी, धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं बाबा, अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे
सिर के ऊपर छत्र छाया बन गए। ओम शांति। ये अभ्यास कम से कम 5 बार कर लेंगे, एक एक मिनट में, 2 मिनट में एक बार कर लें। बाबा छत्र बन गए, उस छत्र के नीचे बैठ जाएं, फिर बाबा को निमंत्रण दें। इस तरह बाबा को अपनी प्यार की रस्सियों में बांध कर हम नीचे बुलाएंगे। ऐसा माहौल बना दें हम इस सभा का, आप सबको ख्याल रहे 19 से 20 हजार भाई बहने आज महान आत्माओं की इस सभा में उपस्थित हैं। ऐसा प्यार का माहौल बना देंगे हम सब, परमात्म प्यार की तरंगे यहां से ऐसी फैलें कि जहां भी बाबा के बच्चे बैठे हों सारे संसार में इस समय, उनके मन भी परमात्म प्यार में डूब जाएं। वहां बैठे वो ऐसा ही अनुभव करें जैसे मानो सम्मुख बैठे हैं। बाबा आ जाएंगे, ध्यान देंगे भाई, विशेष रूप से भाई। दादी जब ध्यान में जाती हैं तो ताली नहीं बजाई जाती। ये हमारी अलौकिक सभा है, हमें विश्वास है सभी इसकी अलौकिकता को कायम रखेंगे। भाई ये मुक्ता नहीं, बाबा ताली आपे ही बजवाते हैं सभा में। तब हम बजाते हैं तो वो सुखद फीलिंग देती है, लेकिन जब डीप साइलेंस है, जब सब बाबा का आह्वान कर रहे हैं, तब ताली बजाना किसी भी तरह शोभनीय नहीं है। इसलिए डीप साइलेंस के साथ बैठेंगे, बाबा आ जाएंगे हमारे बीच में। बाबा जब आते हैं तो दादी की आंख खुलती हैं, बाबा हम सबको दृष्टि देंगे, फिर वही अभ्यास सब करेंगे। सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य पर बुद्धि को स्थिर, तो वो 10 मिनट जो बाबा दृष्टि देते हैं, आप उसी समय वो वरदान ले लेंगे बाबा से जो आपने मन में निश्चित किया है। बाबा की दृष्टि तो चमत्कारिक चीज है, मैंने बहुतों के अनुभव देखे हैं, मेरे भी कईयों के ऊपर बाबा की दृष्टि पड़ी, लंबे समय का विघ्न नष्ट हो गया, दृष्टि पड़ी भयानक बीमारी लोप हो गई, दृष्टि पड़ी सोई हुई चेतना जागृत हो गई, चित्त स्थिर हो गया। मेरी ये बात सुनकर कई सोचते होंगे हम इधर कोने में बैठे हैं, इधर पीछे, बाबा की दृष्टि हम पे तो नहीं पड़ेगी। भूल जाएं आप इस बात को, बाबा की दृष्टि वहीं पड़ती है जहां आप बैठे हैं। बस ध्यान देंगे हम बाबा पर अपनी दृष्टि को स्थिर रखेंगे। जो पीछे भाई बैठे हैं गैलरी में भी, वो सब भी, चाहे आप टीवी में देखेंगे बाबा को, एकाग्र करेंगे अपने मन और बुद्धि को बाबा के स्वरूप पर, तो ये अनुभव सचमुच आनंदकारी हो जाएगा। संकल्प कर लें, मैं स्वयं विघ्न विनाशक हूँ, आज से मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त हो गया। अब हम एक ही बात के साथ क्लास को समाप्त कर देते हैं, इस विश्वास और आशा के साथ कि 4 घंटे का ये परमात्म मिलन हम सभी के लिए परमानंदकारी हो। आप सभी जो यहाँ आए हैं पहली बार, उनको जन्म जन्म की भक्ति का फल अनुभव हो जाए। सभी बाबा की शक्तियां प्राप्त करके स्वयं को चार्ज कर दें, बहुत शक्तिशाली महसूस करें। बस लास्ट बात जो रोज सभी को करनी है, जब आंख खुले, बहुत खुले दिल से, बहुत उमंग और नशे के साथ अपने मन में संकल्प कर दें, मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूँ, मैं इस संसार में सबसे अधिक सुखी हूँ, मैं इस संसार में महान आत्मा हूँ,
रोज करेंगे तीन तीन बार आंख खोलते ही, तो ये तीनों चीजें जीवन में बढ़ती जाएंगी और हमारा जीवन परमानंद का भंडार बन जाएगा। चले अब फिर से हम सभी ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे बैठेंगे। ओम शांति।